press the bell icon for all updates from Khabri Hindustan. हाल ही में संजय दत्त पर बनी बायोपिक संजू का ट्रेलर रिलीज हुआ। इस ट्रेलर में साफ जाहिर है कि फिल्म में संजय दत्त की जिंदगी से जुड़े वो पहलू देखने को मिलेंगे जिसके बारे में कोई जानता है या नहीं। संजय दत्त को जेल हुई थी ये तो सब जानते हैं, लेकिन जेल के टॉर्चर में गुजारा हुआ वक्त फिल्म में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही इस फिल्म में उनकी जिंदगी से जुड़े कई और भी बड़े खुलासे होंगे। इस फिल्म में उनके बारे में कई नई और अनजाने बातें खोली जाएगी। पर आपको बता दे कि वो चार किस्से जिसका खुलासा संजू में तो क्या शायद कभी नहीं किया जाएगा। चलिए आपको बताते हैं वो बातें जो इस फिल्म में नहीं दिखाई जाएगी। संजय के लव अफेयर के बारे में तो इस फिल्म में बताया गया है कि उनकी 350 से भी ज्यादा गर्लफ्रेंड्स थी, लेकिन ये गर्लफ्रेंड्स कौन कौन थी ये फिल्म में नहीं बताया गया। संजय की पहली गर्लफ्रेंड थी टीना मुनीम। टीना मुनीम के साथ संजय दत्त का अफेयर 2 साल तक चला। बताया जाता है कि ये संजय की जिंदगी का सबसे इंटेंस रिलेशनशिप था, जिसे टीना ने खुद तोड़ा था। आपको बता दी कि ये रिलेशनशिप फिल्म में नहीं खोला जाएगा। उसके बाद इनकी शादी रीचा शर्मा से हुई। इन दोनों के रिश्ते के बारे में भी ज्यादा कुछ बताया नहीं जाएगा। वहीं इस शादी के दौरान भी संजय दत्त का माधुरी दीक्षित के साथ अफेयर भी खूब चर्चा में रहा था, हालांकि ये अफेयर भी ज्यादा नहीं चला। इसी बीच रीचा शर्मा की ब्रेन ट्यूमर से मौत हो गई और उनका नाम भी कई एक्ट्रेस के साथ जुड़ा। उन्होंने रिया पिल्लई से शादी की और जल्द ही तलाक भी हो गया। फाइनली उन्हें मान्यता मिल गई जो उनकी असली साथी बनी। फिल्म में संजय दत्त की लव लाइफ के बारे में बात तो होगी, पर खुल के बात नहीं होगी। आपको बता दें, एक गन की वजह से संजय की पूरी जिंदगी मुसीबत में फंस गई थी। बताया जाता है कि संजय को बंदूकों का बड़ा शौक था। जब उनके घर से AK-47 बरामद हुई, तब उनके पास कई लाइसेंसी बंदूक थी। बताया जाता है कि एक बार वे अपने पाली हिल्स स्थित बंगले पर खुलेआम फायरिंग करने को लेकर मुसीबत में पड़ गए थे। इस फिल्म में संजय के अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन को लेकर बात की गई, लेकिन इसके बारे में सभी बातें खोली नहीं जाएगी। बताया तो यह तक जाता है कि उन पर अब्बू सलेम ने गन सप्लाई लेने का आरोप भी लगाया था।